हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, श्री कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण की आज आखिरी दिन की कथा समाप्त हुई। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जो आज आखिरी दिन की कथा में आपको पूजनीय पंडित जी कुल 7 बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। बेलपत्र का उपाय आपको किस तरह से करना है, जल का उपाय आपको किस तरह से करना है, यदि आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया है तो कर्ज से मुक्ति के लिए आपको उपाय किस तरह से करना है, संपूर्ण जानकारी आपको दर्शकों इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगी। दर्शकों, यदि आप किसी कारणवश आज कथा को सुन नहीं पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो में हम संपूर्ण कथा का सार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। दर्शकों, यह कथा आप यदि सुनना चाहते हैं तो 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा समाप्त हुई, लेकिन जो अगली कथा है वो आपकी 3 सितंबर से 7 सितंबर पे आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप दोपहर 1 बजे से लेके 4 बजे तक इस कथा को सुन सकते हैं। उस कथा का नाम रखा गया है फुलेरा दूज, शिव महापुराण का नाम रखा गया है, तो आप इस कथा को सुन सकते हैं। दर्शकों, पूजनीय पंडित जी कहते हैं यदि आप शिव महापुराण की कथा मात्र क्षण भर भी सुन लेते हैं मन से, तो आपकी जो भी मनोकामना है 3 महीने में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जैसे आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट या क्षण भर भी आप प्रत्येक दिन जितनी शिव महापुराण की कथा होती है, शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करेंगे। शिव महापुराण कथा सुनने से पहले दर्शकों, आज कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण की आखिरी दिन की यह कथा है, तो आप कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और आपकी जो भी मनोकामना है आप उस मनोकामना को कमेंट में जरूर लिखें और बाबा से दिल से प्रार्थना करें आपकी जो भी मनोकामना है महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अब हम चलते हैं दर्शकों आज की पहली जानकारी की तरफ। आप सबसे पहले एक नियम बनाएं, यदि आप शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के बाद आप प्रत्येक दिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जिस दिन से ही आप शिव महापुराण की कथा सुने उस दिन आप संकल्प लें कि आज से हम प्रत्येक दिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करेंगे। अब हम चलते हैं दर्शकों आज की दूसरी जानकारी की तरफ। पूजनीय पंडित जी कह रहे थे आस्था चैनल यूट्यूब मोबाइल पर पंडाल में बैठ के जितने भी दर्शक जितने भाई बहन कथा को सुनते हैं एक ना एक दिन महादेव उनकी झोली अवश्य भरेंगे। यदि आप दिल से शिव महापुराण की कथा को सुन लेते हैं तो महादेव आपकी झोली 3 महीने के अंदर में अवश्य भर देंगे। अब हम चलते हैं आज की तीसरी जानकारी की तरफ। ये दर्शकों, आप किसी भी कथा में बैठ रहे हैं, शिव कथा हो, राम कथा हो, विष्णु कथा हो, जिस भी कथा में आप बैठ रहे हो तो उस कथा में ना तो आपको किसी की निंदा करनी है और ना ही आपको किसी की निंदा सुननी है। अब चलते हैं हम आज की चौथी जानकारी की तरफ। चौथी जानकारी ही दर्शकों, कभी भी आप अपने बच्चे को कमजोर ना बनाएं। आपको अपने बच्चे को कभी भी नहीं कहना चाहिए कि आप यह कार्य नहीं कर सकते। पूजनीय पंडित जी आज की कथा में बता रहे थे कि आपको अपने बेटे पर पूरा भरोसा दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, महादेव आपके साथ हैं, आप प्रयास करें आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। अब हम चलते हैं दर्शकों आज की पांचवी जानकारी की तरफ। आज की पांचवी जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि पांचवी जानकारी यदि घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान है, उन्हें दवा नहीं लग रहा है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों, इस उपाय को करने के लिए आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके इस उपाय को करना है। जब भी आप दवा खिला रहे हो, दवा ले रहे हो, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके यदि आप दवा को खाते हैं तो दवा आपको बहुत जल्दी लगने लगता है। यदि दर्शकों आपके ऊपर आपको शुगर है या घर में कोई व्यक्ति है जिन्हें शुगर है और आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, शुगर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो पूजनीय पंडित जी कह रहे थे कि एक बेलपत्र का उपाय आप अवश्य करें। आपको प्रत्येक दिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग से 2 बेलपत्र लाना है। जब आप 1 लोटा जल समर्पित करें तो अपनी कामना करते हुए आप 2 बेलपत्र ले आएं और आप उसे चबा चबा के यदि खा लेते हैं
तो शाम तक सुबह आप खाते हैं, शाम तक आपका जो शुगर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, यदि शुगर की समस्या है तो आप इस उपाय को जरूर करें। दर्शकों अब हम चलते हैं आज की छठवीं जानकारी की तरफ। छठवीं जानकारी है दर्शकों, प्रत्येक दिन आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे यदि आप एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो आपको कलयुग कभी परेशान नहीं करेगा। एक लोटे जल का बहुत ही विशेष महत्व होता है, शिव महापुराण का बहुत विशेष महत्व होता है। प्रत्येक दिन आप कथा को सुने, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे जल समर्पित करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। छठवें दिन की जो कथा होती है, कथा में जो बेलपत्र चढ़ी होती है वो औषधि के काम करती है, और आखिरी दिन की कथा की जो सातवें दिन की कथा की बेलपत्र होती है वो आपकी मनोकामना की पूर्ति कराती है, कार्यों में सफलता कराती है। तो आप यदि पंडाल में कथा सुनने जाते हैं तो कोशिश करके आप एक बेलपत्र अवश्य लीजिएगा। अब हम दर्शकों चलते हैं आज की आखिरी जानकारी की तरफ। एक बहन का पत्र आया था जिनका बेटा 28 साल का था, उन्हें कैंसर जैसी बीमारी लग गई थी। उन्होंने अस्पताल में दिखाया, डॉक्टर बोले कि आखिरी स्टेज है, इनका बचना बहुत मुश्किल है। एक दिन उनकी माता बहुत परेशान थी और एक चाय वाले के दुकान पे बैठ के रो रही थी। चाय वालों ने पूछा, संपूर्ण बात उन्होंने बताई तो चाय वालों ने उनसे कहा कि यदि आप सीहोर में जाकर रुद्राक्ष ले आके बच्चे को पिलाती हैं उसका जल, तो बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरे पास रुद्राक्ष नहीं है। तो चाय वाले के पास रुद्राक्ष था, उन्होंने 3 दिन पहले ही जाके रुद्राक्ष लेके आया था, उस माता को दिया और उन्होंने अपने बच्चे को रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ की और उनका बच्चा आज स्वस्थ है, ठीक है, जो कथा में आई थी। और उन्होंने पूजनीय पंडित जी को बहुत सारा धन्यवाद दिया और पूजनीय पंडित जी उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद भी दिए। तो दर्शकों अब हम चलते हैं आज की आखिरी जानकारी है। यदि आप एक बार सीहोर जाते हैं, वैसे तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं आपको प्रत्येक महीने सीहोर आना चाहिए। यदि आप 3 महीने बाद सीहोर जाते हैं तो आपकी झोली महादेव अवश्य भरेंगे। जब भी आप जाएंगे कुछ ना कुछ मांगेंगे तो 3 महीने के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।